उपेंद्र साहू है, मैं बलौदा मंडल महामंत्री हूँ। अच्छा भैया, अभी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, दिसंबर में छत्तीसगढ़ में, तो इसमें आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ पाएगी? इस बार पूरा उम्मीद है 100% कि भारतीय जनता पार्टी शासन सरकार बनेगी। अच्छा, किन चीज़ों को लेकर आपको विश्वास है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़? जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 36 घोषणा करके सिर्फ 12 घोषणाएं है मुश्किल से पूरा किया है, वो भी निम्न घोषणाएं, जो अच्छे अच्छे घोषणाएं वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो भैया, जब भूपेश बघेल 36 घोषणाओं में से सिर्फ 12 घोषणाएं पूरा कर पाए हैं, 24 घोषणाएं अभी भी अधूरी हैं, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को जिस स्तर पे क्रांतिकारी प्रयास करते हुए जन जन को, हर वर्ग को इन घोषणाओं के बारे में अवगत कराना था और एक सत्ता विरोधी माहौल बनाना था, वो माहौल अब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं बना पाई? बना चुकी है वो। हम लोग ना घर घर जाकर बताए हैं पूरे जनता को। हाँ, तो लोगों का क्या कहना है? बदलने की इच्छा है लोगों का। सरला कुशरिया जी कैसे प्रत्याशी हैं? बहुत अच्छे। यहाँ से कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो उसको हराने में सक्षम है आपके हिसाब? नहीं, यहाँ पूरा सक्षम है। अच्छा, सरला कुशरिया जी का जो सबसे प्रमुख जीत का कारण क्या हो सकता है? देखिए, वो एक तो लोकप्रिय, पूरा सरल स्वभाव से हैं वो, और पूरा हर घर जाकर वो प्रचार कर सकते हैं, उनके पास उतना क्षमता है। वो जीतेंगे तो विशेष रूप से इस क्षेत्र को, आप जैसे बलौदा मंडल के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, यहाँ तो बहुत सारे काम हैं वो करने के लिए चाहते भी हैं इस क्षेत्र में। इसमें जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं वो, और जिला पंचायत सदस्य बन के जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। क्या उन्होंने, जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र से रहते हुए, उन्होंने क्या विशेष किया इस क्षेत्र के लिए? जो भी काम आदमी लेकर जाता है पूरा करते थे वो। तो अभी आपको यहाँ पे कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण क्या लगता है? देखिए, यहाँ विधानसभा सबसे मुख्य कारण तो शराबबंदी, उन्होंने शराबबंदी नहीं किया, पूरा आक्रोश है जनता में। ऊपर से जो आवास योजना बंद कर दिया, अभी 2-3 महीना हो रहा है चालू किए हैं, वो भी हम लोग जब गांव-गांव जाकर धरना दिए और प्रदर्शन किए तब वो चालू किए हैं। अच्छा, देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप, अभी सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा आरोप आप लोगों के लिए ये है कि रमन सिंह की बात पे अब जनता को भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात पे अब जनता को भरोसा नहीं है। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने बोनस नहीं दिया था, इसलिए अगर अब वो कांग्रेस से अधिक पैसा भी देंगे तो किसान का भरोसा उनके प्रति नहीं आएगा। इस भरोसे को आप लोग वापस कैसे जीतेंगे? ये भरोसा करेंगे, पक्का भरोसा करेंगे। किसके नाम पर भरोसा करेंगे? वो कोई भी मुख्यमंत्री हो भरोसा करेंगे। तो ये चुनाव आप लोग, मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है, तो ये चुनाव राज्य की भाजपा के नाम पे लड़ा जाएगा या नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा? देखिए, राज्य के भी और नरेंद्र मोदी जी के भी, दोनों तरफ से होगा। हाँ, ठीक है। तो सराईपाली विधानसभा में आपको क्या लगता है, कम से कम कितने हजार की लीड से, पिछली बार जैसे श्याम तांडी 50,000 से अधिक वोटों से हारे हैं, तो इस बार भाजपा कितने हजार वोटों से जीत सकती है? वो तो एक, जब तक वो गंगा जल लेके कसम नहीं खाए होते तो ये भी हार नहीं हुआ होता। इस चुनाव में कितने हजार वोट की लीड रहेगी भाजपा की? अगर भाजपा कम से कम 50,000 वोटों से सरला कुशरिया जी जीतेंगे। कौन, भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है या कांग्रेस मजबूत स्थिति में? कांग्रेस मजबूत स्थिति में। क्यों मजबूत स्थिति में? वो अभी जैसे मीडिया वाले सब बता रहे हैं ना, यहाँ बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है और कोई चेहरा नहीं उसके पास, बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उसके पास। तो कांग्रेस भी बिना चेहरे के लड़ी थी पिछली बार? हाँ, तो अभी तो भूपेश बघेल के चेहरे से लड़ेगी, लड़ रही है। तो पिछली बार भाजपा भी रमन सिंह के चेहरे में लड़ी थी? हाँ, वो तो ठीक है, बाकी वो क्या है, वो जैसे धान का रेट है बढ़ा दिया कांग्रेस घोषणा पत्र में जी, उसके बाद वो क्या है, हाँ, घोषणा पत्र में जैसे वो लिख दिया कि धान का भाव देंगे, ठीक है। और रमन सिंह को इसे विश्वास नहीं करते कि वो बोनस नहीं दिया 2 साल का, वो भी 300 रुपया, और ये तो 700 रुपया बोनस दे रहा है हर साल पर क्विंटल, वो तो 300 रुपया दे रहा था, वो भी 2 साल नहीं दिया, कहाँ दिया? तो इसे तो सब किसान भड़क गए, तब इतना बड़ा परिवर्तन आया है। ठीक। और क्या, और किसानों का है ये पूरा छत्तीसगढ़, यहाँ जो किसानों की बात करेगा चुनाव वो जीतेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो।
देखिए, अभी कांग्रेस ने 2800 रुपए का कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 3000 या 3100 रुपए आता है तो क्या उस स्थिति में किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा? नहीं जाएगा, विश्वास नहीं करेगा ना किसान, क्यों धोखा दिया वो, कहाँ दिया रमन सिंह, भाजपा दिया रमन सिंह दिया है उसका, वो सीएम था, चाहे वो नरेंद्र मोदी के कहने से दिया न दिया हो, चाहे अपने हिसाब से, चाहे पैसा कहीं कहीं भी गया हो, बाकी नहीं तो दिया, किसानों को धोखा दिया है। और जो अभी कांग्रेस के राज में सबसे बड़ा आरोप जो लगता रहा है वो लगता रहा है शराबबंदी को लेकर, एक तरफ से किसान और गरीब की जेब में पैसा आता है और दूसरी तरफ शराब में वो पैसा चला जाता है, तो शराबबंदी को लेके जो भूपेश बघेल जी ने वादा किया था हाथ में गंगा जल लेके और आज तक शराबबंदी नहीं हुई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो शराबबंदी वो बोल दिया था कि नहीं बोला था, अपन तो नहीं सुने थे, वो बीजेपी वाले आरोप लगाए थे, लेकिन नहीं ठीक है ना भाई, अब बीजेपी महिला मोर्चा भी आरोप लगा रही है कि शराबबंदी गंगा जल लेके कर, तो ये रमन सिंह भी तो 15 साल था, वो क्यों शराबबंदी नहीं किया भाई? नहीं तो उनके एजेंडे में नहीं था ना, एजेंडे की बात नहीं है, अब उतना इनको है शराबबंदी में तो बंद कर देना चाहिए था, और अगर दोबारा फिर भूपेश उसको खोला होता तो आरोप सही था, जब चल रहा है वो सदियों से। नहीं लेकिन जिसने वादा किया आरोप तो हाँ वो क्या है, एक दो वादा नहीं निभा सकते, बाकी तो वादा निभाए ना, हो सकता है कि कोई कारण से गुरुआ बाड़ी की बात है, इसको नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी सफलता के चार सिनारी करते हैं। हाँ लेकिन अगर आज के समय में आप जाएंगे तो जितने भी गांव देहात में गौठान है सब बुरी स्थिति में है, अगर आप भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के अगर आप सच्चाई धरातल में जाके देखोगे तो ज्यादातर जो गौठान है वो बेहाल स्थिति में है। ठीक है, जो गोबर की बात हो रही है, किसानों को जो वर्मी कंपोस्ट आता है सोसाइटी के माध्यम से, जो किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने की बाध्यता रहती है वो गुणवत्ताहीन रहता है, ये सभी किसानों का आरोप है, कई किसान तो उनके नाम से चढ़ा दिया जाता है लेकिन वो उठा के भी नहीं ले जाते हैं सोसाइटी से, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं उठा के खरीदी के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा वो गोठान ले जाना, बल्कि वर्मी कंपोस्ट जो मिल रहा है गुणवत्ता वही ना बोल के कैसे जानते हो, हम लोग जैसे डाले मूंगफली में मूंग वगैरह काम तो दिया, अब कैसे वो आरोप लगा देने से थोड़ी ना होगा, अब उसका यूज करके देखो ना भाई, आप वो उसको आप धान में ऐसे रोपा के टाइम छीटोगे कहीं भी छीटोगे भाई, वो वर्मी कंपोस्ट है, उसको आप थरा लगाते टाइम दो या मूंग मूंगफली साग भाजी में उसको डालो ना भाई, कैसे काम नहीं करे, कर रहे काम। अच्छा, और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में क्राइम की स्थिति है, जो अपराध की स्थिति है, जैसे कच्ची शराब बनना, आज के समय में आप देखेंगे समाचार पत्र उठा के देखेंगे तो प्रतिदिन फलाना थाना ने कार्रवाई की या इस चौकी ने कार्रवाई की, इस गांव से 4 लोग शराब के साथ पकड़ाए, जो इतने ज्यादा मात्रा में कच्ची शराब गाँव गाँव में घर घर में बन रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि इसके ऊपर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? वो तो हर स्टेट में बन रहा है, यूपी बिहार में तो ज़्यादा है कच्ची शराब और अपराध, अपराध की आप बात कर रहे हो ना, यूपी से बड़ा अपराध अपराध स्टेट कोई नहीं, कुछ और इंडिया में कहीं नहीं है, ये वहाँ तो योगी के राज है, और आपके नहीं डबल इंजन का कहाँ बोल रहे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, प्रभुषण सिंह को देखो कहाँ घूम रहा है खुला रैप करके, नहीं तो उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है, कैसा साबित होता है, आप आज आप हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे तरह अभी अरेस्ट करके ले जाएंगे और जेल में ठोस देंगे, उसके ऊपर इतना बड़ा पूरा ये हो गया जंतर मंतर में, उसके ऊपर नहीं हुआ, नहीं आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, तो यूपी से बुरा हाल इंडिया में कहीं नहीं है, अगर आप वैसी बात करेंगे अभी मणिपुर में भी कांग्रेस के कई नहीं है उतना बड़ा नहीं है जितना कि आपके नहीं यूपी बिहार जो एजाज ढेबर कांग्रेस के मेयर वो एक तो शराब नहीं भतीजा जो है अनवर ढेबर सार्वजनिक अनवर ढेबर उनके भाई है जो उनका भतीजा है वो सार्वजनिक रूप से गोली चलाने के मामले में आरोपी है, आज तक उसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अगर आप राजनीतिक संरक्षण की बात करेंगे तो वो तो भाजपा और कांग्रेस में सब में होता है, सब में होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अपराध की बात करते हैं, जो एनसीआरबी का आंकड़ा होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको भारत सरकार भी मानती है और विश्व की सारी संस्थाएं मानती हैं, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में शराब के नशे में या किसी प्रकार के नशे में होने वाले अपराधों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज हुई है। हाँ वो आंकड़ा अपने को नहीं मालूम, बाकी वो आंकड़ा अपने को नहीं मालूम, जो आंकड़ा आप क्या है अपन देहात में रहते हैं उतना नहीं, तो जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, जब आप शांति की बात कर रहे हैं, हाँ न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हर चीज
के लिए जब सरकार अच्छी चीजों के लिए जिम्मेदार है तो हर चीज के लिए जवाबदार है, जिम्मेदार होगी। एक तरीके से आप जेल में पैसा दोगे और दूसरा अगर वो शराब में निकल जाती है राशि या उस राशि के घर में आने से खून खराबा हो रहा है तो इसको रोकने के लिए तो सरकार को प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। जमीनी स्तर पर तो ये प्रयास नहीं दिखते हैं। नहीं नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, बाकी अभी कहाँ जैसे शराबबंदी की बात कर रहे हो आप, अब आरोप तो भाजपा लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई उनके तो, उनके जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ क्या शराबबंदी, वहाँ क्या अपराध नहीं हो रहा है, वहाँ तो और ज़्यादा हो रहा है। यूपी बिहार मणिपुर आप देख लो, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो और ज़्यादा हो रहा है। मणिपुर का जो है, मणिपुर को आप अपराध में नहीं गिन सकते, तो एक तरीके से जो है वो धार्मिक उन्माद की स्थिति है। तो तीन तीन महीना होता है तो कहाँ है वो आपका वो सीएम और पीएम का, कहाँ क्या कर रहे थे, क्यों नहीं गए वहाँ? वहाँ पे जो धार्मिक उन्माद है मणिपुर की जो डेमोग्राफी है, हाँ, है ना, ठीक है ना, उससे अपन छत्तीसगढ़ की तुलना नहीं कर सकते, किसी भी किसी स्टेट से नहीं कर सकती। हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, वो सब ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है उतना बड़ा मणिपुर का आपको, मणिपुर के जो, मणिपुर में जो हालात है, हाँ, उस विषय में आपको, हाँ, कुकी मैतेई वाला, हाँ, जो चल रहा है, हाँ, उसके विषय में आप कितने विस्तार से बता सकते हैं? अपन जितना सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं यूट्यूब में या पेपर में उस हिसाब से बता रहे हैं, और जिस हिसाब से देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसे प्राइम टाइम हो रहा है वहाँ, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो लड़ाई किसके बीच है आप जानते हैं? दो समुदाय के बीच है। कौन से दो समुदाय के बीच? कुकी और मैतेई जो है वो आदिवासी है, आपको बताता हूँ, और वो भी आरक्षण के नाम से हो रहा है वहाँ, वहाँ पे मुख्य रूप से लड़ाई हो रही है उनके बीच में, जो धर्म परिवर्तन करके अपने क्रिश्चियन बन गए, हाँ, और जो लोग क्रिश्चियन नहीं बने उनके बीच में वो लड़ाई है। हाँ। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई है? एक हाई कोर्ट का, मणिपुर के उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभी तक वहाँ पे ऐसा था कि जिन लोग धर्म परिवर्तन करके ऊंचाई में पहाड़ों पे रह रहे थे वहाँ पे जाके जमीन क्षेत्र में रहने वाला जनजातीय व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन वो लोग मैदानी क्षेत्र में आके जमीन खरीद सकते हैं। उस नियम को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में जिन लोगों ने वहाँ धर्म परिवर्तन किया था उन लोगों ने, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है उनके साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आई कि आपको लगता है आज छत्तीसगढ़ में सब तरफ धर्म परिवर्तन को लेकर इतना ज्यादा चर्चा हो रही है? नहीं नहीं, मैं घर लोग छत्तीसगढ़ में, हाँ, चर्च बन रहा है, हाँ, तो आज से चार साल या पाँच साल बाद छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति रहेगी आपको नहीं लगता? मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। वो धर्म परिवर्तन और दो समुदाय की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें आहत नहीं है देश। देश आहत तब हुआ जब दो दो महिलाओं को नंगा करके निर्वस्त्र कर घुमाया गया पश्चिम बंगाल में, जब तो उस टाइम महिलाओं को चार साल पहले निर्वस्त्र किया गया तब, हाँ, शर्मिंदा नहीं हुआ था? हुआ था, ममता बनर्जी माफी मांगी थी, नहीं मांगी, बिल्कुल माफी मांगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं नहीं नहीं, संज्ञान लेके माफी मांगी थी, माफी मांगी, लेकिन आज की तारीख में न वो सीएम न पीएम कोई जवाबदारी नहीं ले रहा उसका मणिपुर का। नहीं क्यों, प्रधानमंत्री ने संसद में भी कहा है, उसके बाद लाल किले से भी कहा है, कितना बोला, सिर्फ 36 सेकंड। देखिए आपके हिसाब से बोलना मायने रखता है या कार्रवाई करना मायने? कार्रवाई करना, वहाँ वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, जमीनी वहाँ के जमीनी हालात हमने नहीं देखे अभी, हम शराबबंदी प्रमुख विषय था। आपने अगर सिर्फ भूपेश बघेल पे आप ये कहते हैं कि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने बोनस दिया किसानों को, तो उन्होंने वादा तोड़ा भी तो है, उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ते की बात चार साल से चल रही थी, इस साल चुनाव के तीन महीना पहले उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया, ठीक है, ये चुनावी स्टैंड नहीं है ना। उसके अलावा आप एक चीज बताइए मेरे को कि जब रमन सिंह की सरकार 15 साल के बाद गई, 2003 से रमन सिंह की सरकार थी, जब रमन सिंह की सरकार सत्ता में आई उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर 11,000 करोड़ का कर्ज था, 15 साल रमन सिंह राज किए, उसके बाद वो कर्ज की स्थिति पहुंची 51,000 करोड़ में। आज 4 सालों में छत्तीसगढ़ 91,000 और अभी जो 4,000 करोड़ का कर्ज लिया गया उसके बाद 95,000 करोड़, यानी 4 साल में 44,000 करोड़ का कर्ज जो राज्य के ऊपर में लादा गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब जनता को बांटा है, वो जनता को जो बांटा गया है 4 साल में सिर्फ 12,000 करोड़ बांटा गया है सब पैसा। अच्छा, शराब घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शराब घोटाले के बारे में, शराब घोटाला हुआ है बता रहे हैं उसका जो, हाँ, वो उसके जो आजादी ढेबर के जो भाई या वो भतीजे वो लोग, तो क्या 200 करोड़ का जो आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं था मुख्यमंत्री के द्वारा? इसमें मुख्यमंत्री था या नहीं था वो स्पष्ट अभी नहीं हुआ है,
नहीं, मुख्यमंत्री देखिए जो राजा होता है, जैसे गुजरात दंगे के समय में जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया गया था, जब अभी यूपी में दोनों समुदायों के ऊपर बराबर से बिकरू के ऊपर में भी कार्रवाई हुई थी और दूसरे समुदाय के ऊपर में भी कार्रवाई हुई थी, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं राजधर्म सर्वोपरि है, मैं धर्म जाति या समुदाय देख के, अपना और पराया देख के कार्रवाई नहीं करता हूँ, जो गलत है उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। तो इतना साहस भूपेश बघेल जी के अंदर है क्या, वो बोल सकते हैं क्या कि जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होगी? केंद्रीय एजेंसी अगर जांच कर रही है तो उसके दरवाजे पे टेंट लगा के बैठना, अधिकारियों के साथ मारपीट करना, तोड़फोड़ करना क्या सही है? सही नहीं है। लेकिन ये क्या सही है कि आज जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के और सीबीआई के, उसमें 90% विपक्ष के नेताओं के ऊपर पड़ रहे हैं, तो जो सत्ता वो भ्रष्टाचार के आरोप उसी के ऊपर लगेंगे, और ये इनका सत्ता था तो ऐसा तो ईडी सीबीआई मुख्यमंत्री है, राज्य की एजेंसी से जांच करवा के रमन सिंह को जेल में क्यों नहीं डालते? कौन? अभी बृजमोहन अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने भूपेश बघेल जी को चैलेंज किया है कि बार बार आप बोलते हैं कि ईडी को जांच करनी चाहिए, तो एंटी करप्शन ब्यूरो उनके हाथ में है, राज्य का सीआईडी उनके हाथ में है, आर्थिक अपराध नियंत्रण ब्यूरो उनके हाथ में है, तो वो रमन सिंह के भ्रष्टाचार की जांच करा के रमन सिंह इनके हाथ में कुछ नहीं, वो तो सब केंद्रीय एजेंसियां हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं जितनी एजेंसी का नाम लिया सब राज्य की नहीं, सब सब ये ईडी और ये सब नहीं नहीं ईडी को छोड़ दीजिए ना। अगर आपको भ्रष्टाचार की जांच करना है तो आपके पास में राज्य आर्थिक अपराध नियंत्रण का बोर्ड रहता है, जिसका एक आईजी एक आईपीएस होता है, उससे आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब देखो दूसरी चीज, झीरम घाटी के लिए जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक तो भूपेश बघेल आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट इसलिए सार्वजनिक नहीं करेगी क्योंकि उसके नेताओं का हाथ है। अभी जब कांग्रेस की सरकार है पिछले 4 साल से, तो उन्होंने अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है? उन्हें झीरम घाटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जब वो राजेश मूढ़क के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उसमें देखो, अब कहीं दाल में कुछ है, काला होगा, क्या है कि वो सीएम जाने क्यों नहीं कर रहा है? अब अपन तो यहाँ तक जानते हैं कि वो सब एजेंसियाँ जो रहती हैं वो केंद्र के आधे रहती है। देखिए सीआईडी जो है डिपार्टमेंट, ये राज्य शासन के अधीन, अभी जो जैसे ईडी का छापा पड़ रहा है डब्ल्यू बोलते हैं, हाँ, वो भी राज्य शासन के अधीन होता है। इसके अलावा राज्य शासन के पास में जाँच कराने के लिए, जाँच के लिए समिति बनाने के लिए बहुत अधिकार। हाँ है ना, वो विधानसभा समिति बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे नहीं, हो सकता है इनमें कुछ होगा कमी, उसमें तब नहीं करवा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सरला कुसरिया जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और एक तरीके से रणनीतिक बढ़त, मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। आपको क्या लगता है सराईपाली विधानसभा से किसे कांग्रेस का प्रत्याशी होना चाहिए? क्या किस्मत लाल नंदी जी को दोबारा प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए या किसी नए व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए? वो टिकट देना वो पार्टी के ऊपर, अपन उसको नहीं बोल सकते। अपन अपन कार्यकर्ता हैं, जिसको देंगे टिकट अपन उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए काम। हाँ ठीक है। किस्मत लाल नंद जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल के विषय में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा, एकदम मिलनसार व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति। हाँ, अच्छा काम किया। इनकी टिकट रिपीट होनी चाहिए। हाँ, टिकट रिपीट होनी चाहिए। टिकट रिपीट होगी तो सरला कुसरिया जी को हरा पाएंगे? हाँ, आराम से।